दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर इग्नू की डेट शीट को फॉलो कर रहे हैं और आपने अपने सब्जेक्ट को चेक किया होगा तो काफ़ी स्टूडेंट एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें कि स्टूडेंट के किसी भी दो सब्जेक्ट के एग्ज़ाम एक ही डेट पर और एक ही शिफ्ट में है। सो हो सकता है ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे हों। सो एक कमेंट मेरे पास एक स्टूडेंट का आया था जिसमें उन्होंने मुझसे ये डाउट अपना पूछा था कि सर मेरे दो एग्ज़ाम एक ही दिन और एक ही शिफ्ट के अंदर हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसका क्या ऑप्शन है, क्या मुझे एग्ज़ाम दोबारा देना होगा या फिर मैं उसको किस तरह मैनेज कर पाऊँगा। फिर भी अगर आपके किसी दो सब्जेक्ट का डेट एक ही है तो उसके पीछे एक रीज़न और होता है कि आपका सेम सेशन हो, यानी कि अगर आपके दो अलग अलग सेशन हैं तो आपके पॉसिबिलिटी नहीं है उन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की डेट क्लैश होने की। बट अगर आपके एक ही सेशन के दो एग्ज़ाम हैं यानी कि आपने एक ही ईयर में दोनों एग्ज़ाम फिलअप किए थे तो उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि आपके एग्ज़ाम मैसअप हो जाएंगे और उनकी डेट क्लैश हो जाएंगी। तो इसलिए जिन सभी स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा है और वो इस चीज़ को लेके परेशान है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि इस प्रॉब्लम को हमें कैसे फेस करना है और उसका क्या सॉल्यूशन है। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी है, आप उसके ज़रिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।